भारत में शुरू होता तो भारत का लाखों वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भूमि चाइना के पास नहीं जाता, पाकिस्तान के पास नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय प्लीज, जब यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी जब यहाँ पर अपने वक्तव्य रख रहे थे तो बार बार देश के प्रथम मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के उनके कोटेशन के बारे में बोलते थे। मैं कोटेशन उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, लड़ाई हुई, तब हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प लिया और इसी पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सेंटेंस बोला उसका एक उस सेंटेंस में आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूं। माय हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, माय हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब ऐसा शोर दिया, नॉर्थ ईस्ट को चाइना ने कब्जा कर लिया, ऐसा एक उनका एक कोटेशन मैं यहां कोट करना चाहता हूं। लेकिन काश काश उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जी रहते, काश उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते, एक इंच का जमीन भी चाइना कब्जा नहीं कर सकते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने इस देश को 7 साल शासन किया है, इस 7 सालों में देश को हर क्षेत्र में खोखला कर दिया है, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर भाग भाग करने का किसी ने काम किया है, कांग्रेस ने किया है अध्यक्ष महोदय पिछले 7 सालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वोत्तर से बिलोंग करता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। नॉर्थ ईस्ट बोलने से नॉर्थ ईस्ट का किसी के बारे में, राहुल गांधी जी को नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, कि उनका ट्वीट भी आया है तो बंगाल से बाकी से आगे से उनका ट्वीट शुरू होता है, क्योंकि ट्वीट में ही रहता है, सोशल मीडिया में ही ज्यादा रहता है। उधर नोटिस में तो गया भी नहीं, वो जो भारत जोड़ो यात्रा किया है नोटिस में तो उन्होंने कबाड़ भी नहीं किया, शोर ही दिया, क्योंकि क्योंकि उनके बाप दादा ने भी शोर दिया था, नोटिस को बाप दादा ने भी शोर दिया था, राहुल गांधी तो सोरेंगे ही नोटिस को, ये उनका तेज में, उनका ब्लड में है। जो भी है, मैं नोटिस से बिलोंग करता हूं अध्यक्ष महोदय। पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट पीस, स्थायी शांति, एक विकास, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि अगर किसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हुआ है, हमारे सबके प्रिय, विश्व के सबसे जनप्रिय और देश के गरीबों के मसीहा, युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित हमारे सबके आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप शांति के, स्थायी शांति में तबादला करने के लिए अलग अलग उग्रवाद, अलगाववाद जो क्षेत्र में काम करते थे उनके साथ समझौता हुए, ब्रूर यंग एग्रीमेंट से लेकर के बोरोपी सेक्टर तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट, एक सॉल्यूशन, जो सेपरेटिज्म, जो अलगाववाद का समस्या नॉर्थ ईस्ट में हर साल होते थे, आज 80% से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट होता है वो कम हो गया अध्यक्ष महोदय। हजारों लोग जो मरते थे हर साल, आज उसमें भी एकदम कमती आ गया है, कम हो गया है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं नॉर्थ ईस्ट के एक नागरिक के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई अच्छे अभिभावक है, अगर कोई सबसे मेंटरशिप नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रधानमंत्री जी ने लिया है देश आजादी के इस अमृत काल में, नरेंद्र मोदी जी हमारे अच्छे अभिभावक है और सबसे हमारे मेंटर है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से मैं मां कामाख्या के शरण में प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ है और
इस देश को इस अमृत काल में 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने में आज कोई कांग्रेस भी नहीं रुक सकता है, कोई बाहुपंथी भी नहीं रुक सकता है। देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के हाथ थाम गया है, थाम लिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। नोटिस भी उनके हम साथ है, पूरे देश आपके साथ है। इसी वाक्य के साथ मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा, युवा, महिला सबके लिए जिन्होंने पिछले 9 सालों में एक बहुत बड़ा अपने भूमिका निभाए, इसे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्लीज आपने बहिष्कार कर रखा है ना, तो आप जाइए प्लीज। ओके प्लीज बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट बैठिए। क्या तरीका है बैठे बैठे नारेबाजी करने की? ये